अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रैगन चिकन। ये है मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन, ब्रेस्ट का पीस है, फुल ब्रेस्ट। इसे मैंने धोकर काट दिया है। ये साइज है, छोटे छोटे पीसेस। और इसमें नमक डाल रही हूँ सबसे पहले। मैं इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन पेस्ट, एक, दो, तीन, चार टीस्पून, एक अंडा, लाल मिर्ची पाउडर दो टीस्पून, ये दूसरा टीस्पून भर कर लेना है। कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ मैं, छः टीस्पून डाल दिया मैंने कॉर्नफ्लावर का, दो टीस्पून मैदा भर कर लेना है, एक टीस्पून अजीनोमोटो, हाफ टीस्पून पेपर पाउडर भर कर, हाफ टीस्पून ऑरेंज रेड कलर। अब चिकन को मिक्स कर देना है। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। नमक कम हो तो नमक चक्कर डाल भी देना। अब मैं इसे 15 मिनट मिनिमम फ्रिज में रख रही हूँ। तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक पीसेस डाल रही हूँ। एक साइड से हो चुकी है चिकन, अब मैं इन्हें टर्न कर रही हूँ। सारी चिकन मैंने टर्न कर दी है। चिकन मेरी दूसरी साइड से भी हो चुकी है। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। तीन बड़ी बड़ी प्याज काटी थी ऑमलेट के स्टाइल में। ऑमलेट जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं उसी तरह से काटना है प्याज को। तीन बड़ी बड़ी प्याज काट दी है। अब ये सेम चिकन तले हुए तेल में मैंने थोड़ा सा तेल निकाल दिया है। उसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज मेरी गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें चिकन जो हमने तली थी वो डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून सोया सॉस, तीन टेबल स्पून टोमेटो केचप भी डाल दिया है मैंने। अब इसको मिक्स कर लेना है। चिकन को मैंने मिक्स कर दिया। दो बंच लहसुन के मैंने काट लिए हैं, चॉप कर लिए हैं। तेल मैंने गरम कर लिया है। अब मैं लहसुन डाल रही हूँ। ये तेल चिकन का ही था जो मैंने फ्राई किया था। चिकन जो फ्राई की थी वही तेल था। लाल होने आया है। अब मैं इसमें बहुत सारी कड़ी पत्ते डाल रही हूँ। अब ये मैं लहसुन जो हमारी चिकन में डाल रही हूँ बघार। लहसुन का बघार डालकर, लहसुन और कड़ी पत्ते का बघार डालकर मैंने मिक्स कर दिया। इसे स्टार्टर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। ड्रैगन चिकन फ्राइड राइस के साथ, पराठों के साथ और तंदूरी रोटी के साथ सर्व किया जा सकता है। ड्रैगन चिकन रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।